हे गाइस, दिस इज़ आराधना कुनियाल। सो आज मैं बहुत टाइम बाद लाइक 4 मंथ्स के बाद मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तो वो एनसीसी के काम से मैं बाहर जा रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद जब मैं घर से बाहर निकली थी तो व्लॉग बनाया था कि कितने चेंजेस आए थे, क्या क्या चीज़ें खुल चुकी थी। तो आज इसी व्लॉग में मैं यही सब दिखाने वाली हूँ कि मार्केट कितना खुला है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। वैसे तो सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लाइक स्कूल्स भी खुल चुके हैं। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं फिर से सेकेंड लॉकडाउन के बाद। तो सबसे पहले तो अभी मैं उठी हूँ तो जाती हूँ, फ्रेश नहाते हैं, फिर उसके बाद तैयार होके चलते हैं। हियर वी गो। सो गाइस, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मास्क के साथ ये चश्मे लगाने वालों को ही पता होगा कि क्या बड़ी विडम्बना होती है इसको, क्योंकि वो पूरा भाप चढ़ जाते हैं आंखों में। तो चलिए फिर चलते हैं। देखिए मौसम भी एकदम सुहाना हो रहा है, अभी बारिश बंद हो चुकी है। तो लेट्स गो। गाइस, अब हो गई है 9 बज चुके हैं। आप घड़ी में टाइम देख सकते हो, 9 बज चुके हैं। और अभी उधर को गई है एक बस, बट इधर को आने का तो एक टाइम मेरे को लग रहा है पूरा 1-1 घंटे में बस चल रही है इस लेन की। तो बाकी तो मार्केट का मुझे औरों का पता नहीं है। हम तब से 1 घंटे से खड़े हो रखे हैं। धूप हो रही है बहुत तेज़, तो दिखते हैं, आई विश आ जाए जल्दी। हमें 2 घंटे लगे हैं तब जाके हम पहुंचे। फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुंच गई जैसे तैसे करके, और अभी मैं एंटर कर रही हूं और बच्चे मेरे को नज़र आ रहे हैं वहां पे। तो गाइस, सबसे बड़ा पोपट अभी हमारा ये हुआ है कि मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, मार्केट जाएंगे, सामान वगैरह जो भी लेंगे तो मार्केट का सीन आपको दिखाऊंगी पूरा। बट बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश, और पूरा प्लान चौपट हो गया हमारा। तो अब संडे को तो मार्केट बंद रहता है, तो मंडे को जब आऊँगी तब शायद मे बी व्लॉग बनाओ। तो ये प्लान तो टोटली फ्लॉप हो गया है एक तरीके से कहूँ तो। एक्चुअली देहरादून का सीन ये है कि यहाँ पे हर जगह पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो जिस चक्कर से हम लोग मार्केट नहीं जा पाए। और मतलब इवन हमारे यहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ पे भी इतना पानी जमा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। और अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा बस स्टॉप है, आपको दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। ये यहाँ का मतलब दूसरा बस स्टॉप है, बुद्धा चौक भी कहते हैं इसे। तो वहाँ पे जहाँ पे पहला वाला था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था, तो वहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं थी। तो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। और भीड़ अभी भी बिल्कुल वैसी है गाड़ियों की, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम पर गाड़ियाँ आना बंद हो जाए। Still the same। आज मेरे को लगा पोपट डे है मेरा, क्योंकि मैं सुबह से जब से निकली हूँ घर से पोपट पे पोपट हुआ जा रहा है। एक और पोपट आपको दिखाऊं। हमने वो प्लेस इसलिए छोड़ी थी कि वहाँ पे पानी जमा हो गया था, और यहाँ का सीन आपको दिखाती हूँ मैं। Look this, हम कैसे करके क्रॉस होके आए हैं। मतलब हम लोग इस स्टेशन पे आए कि हमको बस इजीली मिल जाएगी, या मतलब हमको चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे भी इतने पानी जमा है क्या बताएं। देखो आप, गाड़ियाँ भी ऐसे जा रही हैं कि। तो दोस्तों, सुबह से मेरे को लग रहा था कि बस नहीं चल रही है, बट मैं अपनी बस को ना दूर से ही पहचान लेती हूँ। तो मैंने इतने दूर से देख के उसको पहचान लिया कि हमारी बस है, और जाते टाइम मतलब हमें इतनी ईजिली मिल गई है, क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे बैठे। अब ये एक टास्क है कि कैसे हम बस में चढ़ने वाले हैं, बिकॉज यू कैन सी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रखी है। Look this। So guys, लास्ट छात्र पोपट होने के बाद अब फाइनली घर पर मतलब घर पहुँच ही गए हैं और मतलब घर क्या पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा अंदर जाना होता है तो मतलब अपने घर तक। और ये मेरी फ्रेंड पीछे से आ रही है, इसको मैं दिखाना नहीं जा रही हूँ, हट जाओ वहाँ से। इतने सारे पोपट कराने के बाद अब घर तो जाना ही था तो जा रही हूँ, बट अफसोस है कि मैं दिखा नहीं पाएगी मार्केट कैसा खुला हुआ है। एक तो बारिश आजकल इतनी हो रही है और अचानक से हो रही है तो पता भी नहीं चलता है। आई होप आपको लगा होगा, मजा आया होगा, पता चला होगा कि कितने पोपट हो सकते हैं लाइफ में, जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है कभी कभी। तो उसमें भी फन ढूंढते रहना चाहिए और आगे बढ़ो, खुश रहो, क्या चाहिए और लाइफ में। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने आज अपने टोटल और आई थिंक ओवरऑल मैंने अपने 3 बड़े बड़े पोपट करवाए हैं, जिसमें सबसे पहले मॉर्निंग में तो हम लोग 1 घंटे तक वहाँ पे रुके रहे, बस नहीं आई और फिर उसके बाद हमें विक्रम बदल के जाना पड़ा। वो होने के बाद जब हमारी जो भी मेरा काम था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद जब मैंने मार्केट जाने का सोचा तो इतनी तेज़ बारिश आई, हमको वहीं अपने कॉलेज में ही रुकना पड़ा। तो दूसरा पोपट तो तब हो गया मेरा। फिर उसका फाइनल पोपट जब मैं अपना स्टेशन बदल के हम लोग पैदल दूसरे स्टेशन पे गए कि मैं वहाँ जाके मतलब बस इजीली हमको मिल जाएगी, और वहाँ भी इतना पानी जमा हो रखा था कि आपने वीडियो में देखा ही। तो मतलब मैंने आज ओवरऑल अपने 3 पोपट करवाए, तो कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा तो लाइफ में। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के और पता चला होगा कि एक व्लॉगर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। और मैंने भी बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाया तो मेरे लिए भी, क्योंकि हाथ पे ऐसे फ़ोन पकड़ के आप अगर रोड पे चल रहे हो तो सब आपको नोटिस कर रहे होते हैं, पहली बात तो। फिर उसके दूसरी बात ये होती है कि आप इतने देर तक फ़ोन होल्ड करके नहीं रख सकते हो, तो बहुत मुश्किल होती है व्लॉगर की लाइफ, यू नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डू ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर फन वीडियो लाइक दिस। सो टिल देन बी अवेयर एंड जय हिंद।